नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर हम लोग विधि विधान न्यूज चैनल के माध्यम से आज एक अलग हटकर प्रयोगात्मक साधनात्मक विधि का वर्णन करते हैं। यह आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की और आवश्यक बात है, जिसको करने से करने वाले को बहुत ही अत्यधिक लाभ होता है। ऐसा मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है, सो मैं वह आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप सब लोग इस प्रयोग इस विधि से साधना करके बहुत ही अल्प समय में और अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। यह मेरा खुद स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और यदि इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि आप समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर फोन नंबर पर फोन करके आप इस विधि विधान न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आज का विषय बहुत ही अत्यधिक गुप्त गोपनीय और अति आवश्यक है, जिसको करने से आप सभी लोगों को लाभ ही होगा, यह मेरा स्वयं का दावा है। एक समय की बात है, पूर्व काल में ब्रह्मा आदि देवताओं ने जगत जननी महामाई मां दुर्गा की पूजन अर्चना करके उनको प्रसन्न किया। उनकी पूजन से प्रसन्न होकर वह स्वयं अष्टभुजी महारानी उनके सामने देवताओं के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली कि मैं आप लोगों की पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। देवता बोले कि हे मां, आपने इस संसार को महिषासुर जैसे दानव से मुक्त कर दिया, उसको मार डाला, अतः आपकी हम शरण में फिर आए हैं और आपसे पूछते हैं कि इस संसार को भय मुक्त, किसी भी भय से मुक्त, किसी महामारी से, किसी दैत्य के भय से मुक्त कैसे किया जाए, कैसे हम लोग प्रसन्न हैं, प्रसन्न हो मनुष्य, पृथ्वी के सभी जीव कैसे प्रसन्न हो, इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो बोली कि मैंने आपसे बोला जो भी आपको वर मांगना है वो मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। फिर भी यदि आप नहीं मांगते हैं तो मैं स्वयं बताती हूं कि मेरे 32 नाम, स्वयं देवी बोली कि मेरे 32 नाम का जो सहारा लेगा, जो उसके आश्रित होगा, आश्रय लेगा, वह व्यक्ति किसी भी भय से मुक्त होता रहेगा, हो जाएगा। यह मेरा खुद का आप लोगों को वर है। कोई भी कैसा भी समय हो, राजा आपको कोई दंड दे रहा हो, जंगल में आप हिंसक पशु पक्षियों के बीच में फंस गए हो, अग्नि में फंस गए हो, या किसी चोर महामारी रोग आदि का भय हो, ऐसे में आप मेरे इन 32 नामों का सहारा लेंगे, निश्चित रूप से मेरे इस आशीर्वाद से उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ये मेरा कहना सत्य है, सत्य और सत्य है। तो है दोस्तों, आज उसी दुर्गा सप्तशती में देवी जी के 32 नाम दिए हैं, उसका एक पुरुषचरण साधनात्मक विधि अब आपको बताता हूं। शुभ दिन शुभ तिथि में उसको शुरू प्रारंभ किया जाए। 32 नाम है, 32,000 बार उसका पाठ करके उसका पुरस्करण करें और फिर किसी भी समय इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ये मेरा दावा है, सत्य है, सत्य है। आप इसको करके देखिए, लाभ लीजिएगा। जय मां भवानी। दूसरा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, वह भी दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, उसी के तारतम्य में
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो 7 और 8 श्लोक हैं, उनको आप किसी भी कार्य किसी भी समस्या के लिए 770 बार पाठ करके दशांश हवन करके और उस समस्या का निदान पा सकते हैं। लेकिन एक समस्या के लिए एक ही बार आपको प्रयोग करना है। किसी कारण से पूर्व जन्म कृत दोषों के कारण यदि एक बार में आपको लाभ नहीं मिलता तो आप उसको दूसरी बार कीजिएगा। आप जितनी बार करेंगे आपको उससे नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। और इसकी यदि विधि आपको पूछना है तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे या जो फोन आप रिसीव करेगा उससे आप बात करके पूछ सकते हैं। ये मेरा दावा है कि आप इन प्रयोगों को करेंगे तो आज भी इन मंत्रों में, इन स्तोत्रों में, इनमें वह शक्ति सामर्थ्यता है जो पूर्व काल में थी, क्योंकि स्वयं देवी जी ने यह बात देवताओं से कही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, आप इससे लाभ लें, ये मेरा प्रार्थना भी है और माँ भगवती से निवेदन है कि सभी को इसका लाभ प्रदान करें, आशीर्वाद करें, सभी स्वस्थ रहें। क्योंकि इस समय महामारी कोरोना का जो संकट है उससे निजात पाने के लिए ये प्रयोग करना अति आवश्यक है। सुन लीजिए, बोलिए जय माता दी।